जिले के ऊन थाना अंतर्गत गश्त के दौरान गोवंश से भरे दो वाहन पकड़े गए। लाखों की कीमत का यह गोवंश दो पिकअप वाहनों से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पुलिस द्वारा निमाण रेंज में मवेशियों के अवैध परिवहन की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है तथा पिछले दिनों निमाण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता द्वारा इस विषय पर सभी पुलिस थानों को निर्देशित भी किया गया था, जिसके बाद सर्चिंग अभियान के तहत मंगलवार की देर रात्रि ऊन थाना पर रात्रि गश्त के दौरान मवेशियों के अवैध परिवहन करते दो वाहनों को पकड़ा गया, जिनमें एक पिकअप वाहन बिना नंबर का एवं एक पिकअप वाहन क्रमांक MP46G2651 से कुल 2 लाख रुपए के 20 मवेशी जब्त किए गए हैं। वाहन चालक एवं वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया गया है। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। कल रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि तलकपुरा तरफ से दो पिकअप गाड़ी में गौवंश भरकर ले जाया जा रहा है, जो महाराष्ट्र जा रहे हैं बदेतु, जिस पर से उपनिरीक्षक बलवीर सिंह यादव एवं अन्य स्टाफ के द्वारा नाकाबंदी की गई। दो पिकअप आते हुए दिखी तो जैसे ही पुलिस को वे पिकअप चालक ने देखा, पिकअप खड़ी करके अंधेरे में भाग गए। अभी क्या कार्रवाई की? अभी अपराध कायम करके 469 गौवंश का बद प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीकृत किया है और योजना जारी है। वाहन मालिक और गौवंश मालिक एवं चालक का पता लगाया जा रहा है। वाहन के नंबर RTO से जानकारी प्राप्त की जा रही है। क्या नाम लिखते हो? लक्ष्मण सिंह लोहोची, थाना प्रभारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।